आज की इस वीडियो में हम फर्जी खबरों को फैलाने के बारे में जो कानूनी प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 सब क्लॉज 1 बी में डिफाइन किया गया है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वर्मा लॉ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह से हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, कोविड-19 के चलते पूरे देश में तरह तरह की झूठी और सच्ची अफवाहें आ रही हैं, जिनमें से कुछ खबरें सच्ची होती हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी होती है जो केवल एक अफवाह ही होती है। हम सभी जानते हैं कि फर्जी खबरों को फैलाना और उनको फैलाने में किसी भी तरह का योगदान देना बहुत गलत होता है, क्योंकि इस तरह की खबरों का जो बुरा असर होता है वो हमारे समाज पर डेली देखने को मिलता है। किसी भी तरह की आपदा के दौरान फर्जी खबरों को फैलाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके संबंध में अगर हम एक केस की चर्चा करें तो अलक आलोक श्रीवास्तव वर्सेज भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फर्जी खबरों को फैलाने के कारण लोगों में आतंक फैलता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि फर्जी खबरों को फैलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में किसी भी तरह की मिथ्या यानी झूठी चेतावनी देने को दंडनीय अपराध माना गया है। इसी से संबंधित धारा 54 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की आपदा की गंभीरता को लेकर या फिर उसके परिणाम के बारे में किसी भी तरह की सूचना या फिर कोई फर्जी खबर को किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से फैलाता है तो वह 1 साल के लिए कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपदा को लेकर किसी भी तरह की खबर आम जनता के बीच आतंक को फैलाने के लिए करेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 क्लॉज 1 बी के बारे में बात करें तो ये उन मामलों से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति कोई ऐसी फर्जी खबर फैलाता है या प्रकाशित करता है जिसके जरिए आम जनता में अशांति फैल जाए या फिर समाज में अपराध जैसा माहौल पैदा हो जाए तो उस व्यक्ति पर इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, और जब उस व्यक्ति पर यह अपराध साबित भी हो जाएगा तो उसे 3 साल का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 505 क्लॉज 1 बी के तहत अपराधी होने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि उस अभियुक्त के द्वारा जिस पर यह चार्ज लगाया गया है, उस व्यक्ति द्वारा किसी फर्जी खबर को फैलाने के बारे में कोई बात कही गई हो। दूसरी बात यह कि उस अभियुक्त के द्वारा कोई ऐसा प्रकाशन प्रचलित किया गया हो जिससे कि समाज के एक भाग में या राज्य में आतंक जैसा माहौल पैदा हो जाए या फिर जिसकी वजह से किसी व्यक्ति या समाज को अपराध करने की प्रेरणा मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेटेस्ट केस की बात करें तो वो है शिवमोंगा कर्नाटक का। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक शिवमोंगा तालुक के नारायणपुरी निवासी नागरा जो कि एक अध्यापक है, उनके खिलाफ कुमसी पुलिस ने एक फर्जी खबर के चलते भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 क्लॉज 1 बी के तहत मामला दर्ज किया था। एक पुलिस अधीक्षक के एम शांताराजू के मुताबिक अभियुक्त नागराज ने व्हाट्सएप के जरिए कोविड-19 पर फर्जी संदेश फैलाकर लोगों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा था कुछ कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज शिवमोंगा में हैं और जब तक उनको ट्रेस न कर लिया जाए तब तक किसी भी इंसान को वहाँ के हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से एक और हालिया मामले की बात करें तो न्यू अलीपुर पश्चिम बंगाल का ये मामला है जिसमें कि एक महिला ने व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुपों में ऐसे संदेश भेजे और ये दावा किया कि उनके पड़ोस में कुछ 15 लोग और उनके पड़ोस में 2 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, और उस महिला ने ग्रुप के सदस्यों से ये आग्रह भी किया कि किराने की दुकान पर किसी भी तरह का सामान लेने बाहर न जाएं। पुलिस ने यह दावा किया कि उस महिला ने उन संदेशों से लोगों में वहम पैदा कर दिया जिससे वो लोग काफ़ी डर गए, तो उस महिला के खिलाफ IPC की धारा 1860 की धारा 505 सब क्लॉज 1B के तहत मामला दर्ज किया गया। तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 505 सब क्लॉज 1B के अंतर्गत ये सिद्ध होना बहुत जरूरी होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई जो फर्जी खबर है उसके चलते समाज के एक हिस्से में अशांति फैल गई है और डर का माहौल पैदा हो गया है। तो सीधे से शब्दों में जाने तो खबर ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में अशांति पैदा हो, जिससे डर का माहौल पैदा हो। अगर ऐसा होता है या ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है जो इस तरह का अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 505 सब क्लॉज 1B के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद।